जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में एस बर्नन में। आज हम करने जाने क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का कार्यपत्र नंबर 14 जो कि है 6 अगस्त 2021 के लिए। इसमें हम सीखेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे या कहे कि संख्या रेखा पे हम कैसे दिखा सकते हैं। इसे हम लोग √2, √3 और √5 के तीनों के इसमें हमको दिखाने होते हैं। इन तीनों के तीनों मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ √2 के बारे में दिखा रखा है और एक √3 का हमें बनाने को क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हमें दो ही दे रखे हैं, लेकिन NCERT में हमें √2, √3 और √5 तीनों के हमें बनाने को दे रखे हैं, ठीक है। और एक साइड से √2 और √3 एग्जाम्पल में भी हमें दे रखा है, तो हम वहाँ से भी सीख सकते हैं उस चीज़ को। तो आइए उसी चीज़ को हम समझते हैं। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भी हमें √2 के बारे में सीखना है, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे जो संख्या रेखा पे खींचना होता है उसके लिए हमें कुछ जनरल कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि एक समकोण जो त्रिभुज होता है, जैसे नाम दे देते हैं इसका इस त्रिभुज का कि A, B और C, और एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये एक साइड एक एंगल इसका एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होता है, वो होता है H होता है। जो लाइन खड़ी होती है, जो रेखा खड़ी होती है, उसको हम परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, और जो लेटी होती है उसको हम आधार कहते हैं। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है P² + B² = H² ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके मुझे यहाँ पर √2 की जगह मुझे √2 बनाना होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें कि सबसे पहले इसमें जैसे बता रखा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और ये जो लाइन होगी हम लोग इसको 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। देखिए, क्योंकि स्केल में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो दिखाएगा, तो 1 सेंटीमीटर लाइन खींचूंगा तो ये बहुत छोटा हमको मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट यूनिट हम लोग मान लेंगे। और 1 यूनिट को मान लीजिएगा, 1 यूनिट हमारा मान लीजिएगा लगभग 3 सेंटीमीटर का भी लेकर के बना सकते हैं आप। अगर मुझे थोड़ा बड़ा बनाना होगा तो 5 सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। तो जहाँ मैं 1 यूनिट लूँगा तो उसका मतलब वो 3 सेंटीमीटर रहा होगा। अगर मैं कहीं 2 यूनिट लिखूँगा, इसका मतलब वो उसका मल्टीपल में जाता रहेगा, तो 6 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। मैं 3 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ, ये ये ओ नाम दे दिया हमने, इसको हमने दे दिया इसका नाम डी, ठीक है। इसके बाद डी पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना होगा। जैसे हम कंपास से 90 डिग्री बनाते हैं, कैसे बना, डी पे कंपास करके हम बनाएंगे 90 डिग्री का, जैसे हमने सीखा है बचपन में, ठीक है। ये हमने बना दिया 90 डिग्री का, और फिर इसको जो हमने डी से जो लंब खींची है इसको भी मुझे 1 यूनिट मतलब कि 3 सेंटीमीटर में यहाँ से कट कर दूंगा। तो इसको नाम दे देते हैं जैसे सी। तो यहाँ पर ओ सी की जो वैल्यू आएगी, ये भी 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिलेगी। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है ये है कि इन दोनों को मैं स्केल की मदद से यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, और ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो √2 की वैल्यू मिलेगी, √2 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका जो सबसे आखिरी जो और इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि मैं OD की लाइन को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाऊँगा, कंपास को मैं O पे रखूँगा, ओपन करके मैं C पे रखूँगा, और उसको थोड़ा सा आर्क की तरफ घुमा दूँगा। जहाँ पर ये आर्क आ करके OD की लाइन को आगे की तरफ कट करेगा, वो चीज़ मुझे √2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, O से मुझे वो वैल्यू मिलेगी √2 की। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का कहेंगे कि पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ कहाँ हो रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा बताता हूँ हम। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल OD और C को देखें, क्योंकि एक समकोण ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो H की वैल्यू है। तो देखिए, 1 यूनिट नीचे है, 1 यूनिट लंब में है, इनको हम दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास देख लीजिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 = ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, H² का। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो H की वैल्यू वो √2 ही मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो H रहा होगा, मतलब OC जो रहा होगा, ये √2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से √2 था।
और इसने मुझे जो बनाने के लिए दे रखा है वो है √3 का। तो √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हिंट भी दे रखा है, हिंट को ना यूज़ करके मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी मुझे यहाँ पे दे रखा है √3 को सॉल्व करना है। हम देखिए √3 जो होता है वो ये हमारा √2 की मदद से बनता है। पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, तो जैसे जैसे मैंने √2 बनाया है वैसे वैसे सबसे पहले हम √2 बना लेते हैं। ये हमने O की डाल दिया, यहाँ पे D डाला, ये 1 यूनिट का हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। और ये 1 यूनिट मुझे पेपर में दिखाना होगा कि 1 यूनिट में कितना डिस्टेंस यहाँ पर ले रहा हूँ। फिर 90 डिग्री करके मैं 1 यूनिट यहाँ पर भी दोबारा लूँगा, 1 यूनिट यहाँ पर भी मैं दोबारा लूँगा, ठीक है। और इसको मैं ज्वाइन करा दूँगा इस तरीके से। तो ये जो चीज़ मेरे को मिल के आ गई है क्या, √2 की वैल्यू आ गई, इसको नाम दे दिया हमने C। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि ये जो OC की जो लाइन है इस पर मुझे दोबारा से 90 डिग्री की लाइन दोबारा मुझे खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ से जब मैं 90 डिग्री की लाइन वैसे ही जब बनाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके का 90 डिग्री बनेगा मेरे पास। और ये भी मुझे 1 यूनिट का ही लेना पड़ेगा, 1 यूनिट का ही इसको भी ले लूँगा मैं। फिर जब मैं इसको ज्वाइन कराऊँगा O के साथ, इसको नाम दे देते हैं हम लोग A, इसको नाम दे दिया हमने A, तो 1 यूनिट AC जो होगा ये 1 यूनिट लेकर के और OA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फिर अपने आप √3 की वैल्यू दे देगा, अपने आप ये √3 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। देख किस तरीके से OAC ट्राइंगल जो है हमारे पास OAC, इसमें अगर नज़र दें तो हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर देख लीजिए H के स्क्वायर के बराबर आया। √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू बन रहा है H स्क्वायर। यहाँ से H स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 और तो H की वैल्यू आ गई मेरे पास √3। तो इस तरीके से हम √3 की वैल्यू यहाँ से बना सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप जो इसका रह गया वो ये था कि O पे हमें कंपास रखना है, A पे हमें पेंसिल रखना है, उसको आर्क घुमा देना है, जहाँ भी वैल्यू कट करेगी उसको नाम दे दीजिए E। और ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी O से लेकर के E तक ये वैल्यू हमें मिलेगी √3 की। तो इस तरीके से √3 था। तो ये वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कहीं से कुछ दिक्कत है तो कमेंट कर बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।